भारत के शांत और सुरम्य परिदृश्य के बीच देहरादून में स्थित एक प्रतिष्ठित और मनोहर धार्मिक स्थल जिसका एक समृद्ध इतिहास और गहन आध्यात्मिक महत्व है। यह मंदिर अनगिनत भक्तों की भक्ति और विश्वास का प्रमाण है जो आशीर्वाद और सांत्वना की तलाश में यहाँ आते हैं। नमस्कार, कुछ सुलझे अनसुलझे रहस्य में आपका स्वागत है। देहरादून के मंदिर शहर की सौंदर्यवादी अपील, पर्यटकों को आकर्षित करने और इसकी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है। वह स्थानीय समुदाय के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ शहर के लंबे इतिहास और परंपराओं का प्रतीक भी है। इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में आज हम आपको लेकर आए हैं संतला देवी मंदिर, जो अनुयायियों के लिए भक्ति का केंद्र है, जो देहरादून में नू नदी के ठीक ऊपर स्थित है। संतला देवी मंदिर एक लोकप्रिय हिंदू मंदिर है जो देहरादून शहर के पास संतला देवी पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर संतला देवी को समर्पित है जो दिव्य स्त्री ऊर्जा और देवी दुर्गा का अवतार है। वह भक्तों को आशीर्वाद देने और उन्हें अपनी दिव्य कृपा प्रदान करने के लिए इस स्थान पर प्रकट हुई। मंदिर का नाम संतला, जिसका अर्थ है शांति, और देवी, जिसका अर्थ है देवी, के संयोजन से लिया गया है, जो इसके परिसर के भीतर शांत वातावरण और दिव्य स्थिति को महसूस कराता है। 18वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर देवी संतला देवी को समर्पित है। मंदिर में सुंदर चित्रों और देवताओं की मूर्तियों के साथ जटिल वास्तुकला है। यात्रा का मुख्य आकर्षण निसंदेह पहाड़ी के ऊपर का दृश्य है, जहां कोई दून घाटी को उसकी पूरी महिमा में देख सकता है। मंदिर समुद्र तल से 2083 मीटर ऊपर है और प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ है। यहाँ लगभग 700 सीढ़ियाँ चढ़कर पहुँचा जा सकता है, जो पहाड़ी की चोटी तक जाती है। चढ़ाई कठिन हो सकती है, लेकिन आसपास की पहाड़ियों और घाटियों के मनमोहक दृश्य इसे प्रयास के लायक बनाते हैं। स्थानीय लोग इस मंदिर को पवित्र मानते हैं। उनका मानना है कि देवी संतला अपने भक्तों को अच्छे स्वास्थ्य, धन और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। देवी की मूर्ति को सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सजाया गया है और भक्तों द्वारा बड़ी भक्ति के साथ उनकी पूजा की जाती है। सैकड़ों भक्त उनका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ मंदिर में आते हैं। शनिवार को देवी संतला के दिन के रूप में जाना जाता है, इसीलिए इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। इस मंदिर में संतला देवी और उनके भाई संतोष सिंह दोनों की पूजा की जाती है। संतला देवी मंदिर का दूसरा नाम संतोरा देवी मंदिर, संतोला देवी मंदिर भी है। यह मंदिर हरियाली और शीर्ष पहाड़ी के बीच स्थित है।
संतला देवी मंदिर का इतिहास करीब 400 साल पुराना है। संतला देवी मंदिर की स्थापना महंत श्री पतिराम ने की थी। किंवदंतियों के अनुसार यह वह समय था जब भारत में मुगलों का शासन था। संतला देवी नेपाल के राजा की बेटी थी। जब राजा को पता चला कि मुगल राजा औरंगजेब उनकी बेटी से शादी करना चाहता है तो वे अपने भाई संतोर के साथ नेपाल से चली आई और दून की पंजाबी वाला पहाड़ी पर रहने लगी। उस समय इस स्थान को सांतोरे गढ़ के नाम से जाना जाता था। संतला देवी और उनके भाई दोनों अपने किले में रहते थे जिसे संतोरगढ़ के नाम से जाना जाता था। बाद में जब औरंगजेब को पता चला कि संतला देवी दून पहाड़ी पर है तो मुगल सैनिकों ने उनके किले पर हमला कर दिया। लंबे समय तक चले इस युद्ध में अंततः मुगलों को पराजय का सामना करना पड़ा। इस विनाशकारी नरसंहार के बाद माता व उनके भाई द्वारा शरीर का त्याग करने का निर्णय लिया। वह तभी अचानक प्रकाश चमक उठा तो संतला देवी और उनके भाई पत्थर में बदल गए और सभी मुगल सैनिक उस रोशनी से अंधे हो गए। ऐसा शनिवार के दिन हुआ था। संतोरगढ़ किला बाद में संतला देवी मंदिर में बदल गया और जिस पत्थर में संतला देवी और उनके भाई ने परिवर्तन किया था उसे पूजा जाने लगा। संतला देवी मंदिर में अन्य देवताओं की मूर्तियां भी हैं, जैसे गौरी शंकर की मूर्तियां, भगवान हनुमान, भगवान शनि देव, माँ काली आदि। संतला देवी मंदिर को भाई बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक भी माना जाता है। संतला देवी मंदिर में एक मनोकामना पूर्ण करने वाला वृक्ष भी है। उस पर भक्त अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए पेड़ पर धागा बांधते हैं। देवी मंदिर 51वीं गोरखा राइफल सेना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। संतला देवी मंदिर का प्रबंधन और रखरखाव भी अधिकतम गोरखा लोगों के द्वारा ही किया जाता है। आप संतला देवी मंदिर में गोरखा सेना के लोगों के द्वारा किए गए कई निर्माण कार्यों को देख सकते हैं। संतला देवी के प्रवेश द्वार पर उनका नाम अंकित है। संतला देवी मंदिर के बारे में एक कथा यह भी है कि एक अंग्रेज अधिकारी जिसकी कोई संतान नहीं थी, जब उन्हें संतला देवी मंदिर के बारे में पता चला तो वे संतला देवी मंदिर आए और पूरी आस्था के साथ पूजा अर्चना की। एक साल के भीतर ही वे एक बच्चे का पिता बन गया। ब्रिटिश अधिकारी ने बच्चे को हिंदू नाम भी दिया। इसीलिए जो लोग बच्चे की कामना करते हैं वे यहाँ संतला देवी की पूजा करने आते हैं। संतला देवी भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर संतला देवी को चांदी का छत्र भी चढ़ाते हैं। यह सदी के सबसे पुराने और ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है। संतला देवी मंदिर का इतिहास लोगों को इस बात से भी ज़्यादा आकर्षित करता है कि
कैसे देवी संतला और उनके भाई ने मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके और देवी की शक्ति से वे पत्थर की मूर्ति में बदल गए। भक्तों का मानना है कि माता रानी उनकी मनोकामनाएं पूरी करती है। ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों की कोई संतान नहीं होती है वे संतान की कामना के लिए इस मंदिर में आते हैं। संतला देवी मंदिर नून नदी के पास में है। यह नदी हरे भरे जंगल के बीच है। यह नदी अपने परिवेश के कारण और साफ पानी समय की शांति देती है और इस मंदिर में आने वाले ज़्यादातर लोग इस नदी के दर्शन भी करते हैं। यह अपने ट्रेकिंग रूट के कारण प्रसिद्ध है। आप यहां एक छोटा सा ट्रैक भी कर सकते हैं और जब आप इस मंदिर के दर्शन करते हैं तो आपको जो यहां शांति मिलती है आप इस जगह से कभी नहीं जाना चाहेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। इसी तरह की अन्य वीडियो डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए कुछ सुलझे अनसुलझे रहस्य में और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। नमस्कार।